नवजोत रंधावा, देश में कोरोना के केस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि नए केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3,57,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा जरूर एक चिंता की खबर है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो आंकड़ा 4,194 तक जा पहुंचा है। तो कुल तादाद फिलहाल घटी है 24 घंटे में 2,57,299 नए मामले। इस बीच सबसे राहत वाली खबर यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मौत का यह फिगर जरूर डराता है। 4,194 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, तो यह आंकड़ा जरूर डरा रहा है। लेकिन अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या देखें तो वो भी अच्छी खासी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करें तो नए मामले 7,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में, मौत 172। यूपी का ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, ताजा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का। देश के कुल मामले जहां पर कमी देखी जा रही है, ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन मौत का आंकड़ा जरूर डरा रहा है। इस बीच ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा। इसके बाद दिल्ली का हाल, 3,009 मामले पिछले 24 घंटे में, मौत 252। ये दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली का आंकड़ा लगातार आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का हाल क्या रहा देश के अलग अलग राज्यों में, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के नंबर्स भी देख लीजिए, 29,644 ये नए केस हैं पिछले 24 घंटे में। महाराष्ट्र में 555 लोगों ने दम तोड़ा है, ये महाराष्ट्र का हाल है कोरोना की वजह से। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बड़ा खतरा और बड़ा डर है वो ब्लैक फंगस को लेकर है, क्योंकि लगातार उस और भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच ये देखिए राज्यों में कोरोना का ग्राफ कहां कहां है। महाराष्ट्र अभी भी पहले नंबर पर है, 29,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में 36,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लगातार मामले यहां भी बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में जहां 7,000 पार कर चुके हैं आंकड़े, वहीं दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का नंबर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल, यह हाल है पिछले 24 घंटे का। तो कोरोना की मार के बीच अब ब्लैक फंगस का कहर भी देश को डरा रहा है। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है, तो वहीं सरकारें भी ब्लैक फंगस को लेकर परेशान है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साझा करें। प्रशासन के लोग भी अपने अनुभवों और इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाएं ताकि आगे इनका और व्यापक लाभ मिल सके, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचा सके। रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में, एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए।
चिंता